दिया जाएगा। अगर आप ये आशा के साथ में हैं कि हमें प्रमोट कर दिया जाएगा, एग्जाम देने की जरूरत नहीं होगी, परीक्षा देने की कोई जरूरत नहीं होगी, मेहनत करने की कोई जरूरत नहीं होगी, तो हम लोग क्यों मेहनत करें? अब क्यों मेहनत करें ये कहना बड़ा लाजमी नहीं है। मेहनत तो आपको करना पड़ेगा अपनी विद्वता को बढ़ाने के लिए, अपनी गुणवत्ता को बढ़ाने के लिए, अपने ज्ञान अर्जन के साधन को बढ़ाने के लिए। अगर आप पढ़ाई से बिल्कुल वंचित अपने आप को हो जाएंगे, अगर पढ़ाई को आप ध्यान में नहीं रखेंगे, अगर आप पढ़ाई पर अपना फोकस नहीं करेंगे, तो वैसी स्थिति में आज नहीं कल, कल नहीं परसों, नुकसान आपको ही उठाना पड़ेगा। और ये नुकसान किस तरह से आपको उठाना पड़ेगा? आप वो सब्जेक्ट से अधूरे रह जाएंगे, वो जानकारियों से अधूरे रह जाएंगे, वो बातों से अधूरे रह जाएंगे, जो पूरे एक डिग्री के कोर्स में आपको 3 साल के कोर्स में पढ़ना था। इसलिए मैं ये नहीं चाहता कि आप भी वो बाकी किसान की तरह सोचिएगा कि इस साल बारिश तो होगी नहीं, हम खेत में जुताई क्यों करें, फसल क्यों लगाएं, हम कोई काम ही मत क्यों करें। और उसी में एक किसान ऐसा भी था जिसने इस नियम के विरुद्ध, इस जानकारी के विरुद्ध अपनी खेती भी की, जुताई भी की, और भगवान गलती से बारिश भी कर दिए, और वो खेत लहलहा के फसल उग गया। तो आप अपने मेहनत से पीछे मत हटिएगा। एग्जाम होना ना होना ये मायने नहीं रखता है। आपके पास वो सारा नॉलेज होना चाहिए जो 3 साल के सिलेबस में दिया गया है। जो 3 साल का सिलेबस कहता है उसको पूरा का पूरा आप पढ़िए। हमारे टीचर भी आपको ऑनलाइन क्लासेस दे रहे हैं, और आप उस ऑनलाइन क्लासेस का फायदा लीजिए। तो मैं ज्यादा समय अपना नहीं दूंगा आप लोग को, मैं आप लोग से वार्ता करने के लिए आज बेसिकली बैठा हुआ हूँ कि आज मैं आप लोग से वार्ता करूँ। और वार्ता करने के क्रम में आज का जो मीटिंग्स है, वो मीटिंग बेसिकली 4 पार्ट में बटा हुआ है, 5 पार्ट में बटा हुआ। आज का जो वार्ता है, आज की जो मीटिंग है, वो बेसिकली 5 पार्ट में बटी हुई है। पहला पार्ट है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करना। पहला पार्ट है ऑनलाइन क्लासेस के बारे में बात करना। आवाज आ रही है? यस सर, आप लोगों तक आवाज आ रही है? यस सर, यस सर। हाँ, ये ठीक है। अब मुझे ये बताइए कि इसमें सोशोलॉजी ऑनर्स के कितने स्टूडेंट हैं? जो सोशोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट है वो अपना माइक ऑन कीजिए, बाकी लोग ऑफ रखिएगा। माइक ऑन। आज की मीटिंग में सोशियोलॉजी ऑनर्स के जितने स्टूडेंट हैं वो अपना माइक ऑन कीजिए और बाकी लोग अपना माइक ऑफ रखिएगा। ये बताइए सोशियोलॉजी ऑनर्स के कौन से स्टूडेंट हैं, अपना नाम बताइए। हाँ, सोशियोलॉजी ऑनर्स के कोई स्टूडेंट नहीं है? आज के मीटिंग में सोशियोलॉजी ऑनर्स के एक भी स्टूडेंट नहीं है? चलिए ठीक है, शायद सोशियोलॉजी ऑनर्स के स्टूडेंट है ही नहीं ग्रुप में आज। अगली बारी आती है हिंदी ऑनर्स के। हिंदी ऑनर्स के कितने स्टूडेंट हैं वो अपना माइक ऑन कीजिएगा। हिंदी ऑनर्स के जितने स्टूडेंट हैं वो अपना माइक ऑन कीजिए। हिंदी ऑनर्स के कोई स्टूडेंट नहीं है? कौन स्टूडेंट है, क्या नाम है आपकी बाबू? अनुजा कुमारी। हिंदी ऑनर्स अनुजा कुमारी। हाँ, हिंदी ऑनर्स से एक स्टूडेंट ने अपना नाम बताया, अनुजा कुमारी। किस सेमेस्टर की स्टूडेंट है? संगीता कुमारी। संगीता। सेमेस्टर अनुजा किस ऑनर्स की, एक सेमेस्टर की स्टूडेंट आप? सर वन। सेमेस्टर वन, ठीक है। और ये संगीता कुमारी? सेमेस्टर फाइव। सेमेस्टर फाइव, चलिए। अब आप ही 2 स्टूडेंट हैं लगता है, और स्टूडेंट नहीं है। अब आप लोग ये बताइए कि सरिया कॉलेज के वेबसाइट में ई क्लास से हिंदी ऑनर्स की पढ़ाई उपलब्ध कराई जा रही है,
आपके कॉलेज में दो शिक्षक हैं, एक प्रोफेसर रघुनंदन हजाम जी हैं और एक प्रोफेसर प्रमोद कुमार जी हैं। ये दोनों शिक्षक में से आपके पास कितना स्टडी मटेरियल पहुंच पा रहा है ये आप बताइए। अनुजा कुमारी और संगीता कुमारी आप ये बताइए कि आपको सरिया कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू ऑनलाइन क्लासेस के लिए कितना स्टडी मटेरियल दोनों शिक्षकों के द्वारा उपलब्ध कराया जा रहा है। सर व्हाट्सएप ग्रुप से आता है। अनुजा कुमारी बोल रही हैं? यस सर। व्हाट्सएप ग्रुप कौन सर भेजते हैं? एक मिनट, प्रमोद सर भेजते हैं। अच्छा हाँ। और रघुनंदन सर? वो भी भेजते हैं सर। क्या भेजते हैं? यही सब क्वेश्चन वोचन भेज देते हैं। अभी ऑनलाइन क्लास होते हैं ना। कैसे लेते हैं वो ऑनलाइन क्लास? हम ऑनलाइन क्लास कर नहीं पाते सर, पीडीएफ बना भेजते हैं सर। हाँ तो कैसे लेते हैं, मतलब वो पीडीएफ से नोट्स डाल देते हैं हाथ से लिखा हुआ कि किताब का फोटो खींचा हुआ? हाथ से नोट्स लिखकर भेजते हैं कि किताब का फोटो खींच के भेजते हैं? हाथ से भी लिखा हुआ रहता है सर। अच्छा तो प्रमोद सर का मटेरियल ज्यादा रहता है कि रघुनंदन सर का मटेरियल ज्यादा रहता है? प्रमोद सर का। रघुनंदन सर कम भेजते हैं। हाँ। अच्छा सरिया कॉलेज के वेबसाइट के थ्रू आप कभी कोशिश किए हैं देखने का? नहीं सर। आप अपने कॉलेज के वेबसाइट में देखिए, आपके पास मोबाइल है अभी हाथ में? हाँ। ये सारे स्टूडेंट्स के लिए हम इन्फॉर्मेशन दे रहे हैं, सारे स्टूडेंट जिनके पास हाथ में मोबाइल है वो अपना सरिया कॉलेज का वेबसाइट ओपन कीजिए। आप लोग सरिया कॉलेज का अपना वेबसाइट ओपन कर लीजिए। ठीक है सर। www.sariacollege.ac.in ये सारे स्टूडेंट्स के लिए है। www.sariacollege.ac.in खोला आपने? खोल रहे सर। यस सर। चलिए उसमें एक जो पीला कलर का लाइन है सेकंड लाइन में देखिए एक होम लिखा हुआ है, दिखाई पड़ रहा है? सरिया कॉलेज का वेबसाइट खुला है? यस सर। अब उसमें सेकंड लाइन में देखिए होम लिखा हुआ एक लाइन है पीले कलर का, मिला? पीला कलर का एक लाइन है होम लिखा हुआ। संगीता कुमारी, अनुजा कुमारी, कोई भी स्टूडेंट? हम कर रहे हैं, संगीता कुमारी कर रही है। क्या किसी अन्य छात्र साइट में कोई बग है क्या? वो किसी अन्य छात्रों को इस साइट में कोई बग है क्या? होम पे क्लिक। होम हेलो सर, एम आई ऑडिबल? होम लाइन आप लोगों को मिला? हेलो, पीले रंग का होम लाइन है सर। होम लाइन मिल जाने के बाद उस पे क्लिक करने के बाद वेपीज नॉट फाउंड लिख रहा है सर। नहीं, उसमें बगल में तीन लाइन है, उस तीन लाइन पर क्लिक कीजिए। तीन लाइन बना हुआ होम के बगल में तीन लाइन है, उस तीन लाइन पर क्लिक कीजिए। ओके सर। ओके सर, आगे क्या करना है? तीन लाइन पर क्लिक किए? ओके सर। हाँ सर, कर लिए। उसमें देखिए सबसे सेकंड लास्ट में वीडियो क्लास लिखा हुआ दिखाई पड़ रहा है। मिल गया सर। अबाउट अस, एडमिशन, एकेडमिक फैसिलिटी, फैकल्टी, सबसे सेकंड लास्ट में वीडियो क्लास लिखा हुआ नहीं, नहीं मिल गया सर। यस सर। हां सर, मिल गया वीडियो क्लास। यस सर, मिल गया सर। वीडियो क्लास को क्लिक कीजिए। कर लिए सर। वहां ई क्लास और ई कंटेंट है, दोनों में से किसको क्लिक करना है? ई कंटेंट को क्लिक कीजिए। ई कंटेंट। ओके सर। कंटेंट को क्लिक कीजिए। ओके सर, कर दिए। आप कर लिए ये कंटेंट को? कर दिए सर। अब देखिए आपके पास दो ऑप्शन आ रहा है, एक आ रहा है ई कंटेंट। हाँ सर, कर लिए। गाइड दिखाई पड़ रहा है, एक ई कंटेंट और एक एग्जाम गाइड, दो ऑप्शन। यस सर।
तो अब आप ई कंटेंट में पहले डिपार्टमेंट आगे सर सेलेक्ट कीजिए अपना डिपार्टमेंट जी ओके सर डिपार्टमेंट का आप स्टूडेंट उसके ओके सर कर लिए उसके बाद आप अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कीजिए कि कर लिए और उसके बाद आप शो कीजिए अपना शो बटन पर क्लिक कीजिए सर मेरा तो ब्लैंक आ रहा है सर कोई वीडियो नहीं आ रहा ऑनर्स क्या है सर इंग्लिश ऑनर्स है सर सेमेस्टर थर्ड सेमेस्टर का इंग्लिश ऑनर्स यस सर मैं भी करता हूँ ओके सर सर मिल गया आ गया सर आ गया मटेरियल आ गया यस सर आ गया ठीक है इसी तरीके से सारे ऑनर्स वाले स्टूडेंट के लिए यहाँ पर स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराया गया है सारे स्टूडेंट जितने भी स्टूडेंट हैं वो इस तरह से अपना सब्जेक्ट और अपना ऑनर्स और अपना सेमेस्टर सेलेक्ट कर लेंगे और उस पर क्लिक करेंगे तो उसमें काफी सारा मटेरियल दिखाई पड़ेगा संगीता कुमारी आप और अनुजा कुमारी आप लोग दोनों खोज पाए हैं नहीं हो रहा सर नहीं आप बढ़िया से करिए दिखाई पड़ेगा जरूर दिखाई पड़ेगा प्रदीप कुमार जी आपको ई क्लास के बाद वहां पर सर मुझे डिपार्टमेंट लिखा हुआ वो डिपार्टमेंट से सेलेक्ट कीजिए किस डिपार्टमेंट का स्टूडेंट है डिपार्टमेंट है उसमें इंग्लिश लिखा हुआ आ रहा है इकोनॉमिक्स वगैरह हाँ सर हाँ अब उसमें सेमेस्टर फिर सेलेक्ट कीजिए बगल में सेमेस्टर लिखा हुआ आप किस सेमेस्टर के स्टूडेंट है उसको सेलेक्ट कीजिए ठीक है सर और उसके बगल में एक शो का बटन है उसको सेलेक्ट कीजिए क्लिक कीजिए देखिए सारा आपका सब्जेक्ट का चीज आने लगेगा सर मेरा नहीं हो रहा सर किस ऑनर्स के हैं आप सेमेस्टर 3 वंशी का राम हाँ साइंस पॉलिटिकल साइंस यस सर पॉलिटिकल साइंस में भी है बहुत सारा मटेरियल है पॉलिटिकल साइंस के सेमेस्टर 3 का आप उसी तरीके से सेट कीजिए अपना दिखाई पड़ेगा बहुत सारा मटेरियल है मुझे तो दिखाई पड़ रहा है सर दो बार में होता है दिखता है लेकिन दो बार में करना पड़ता है हाँ ठीक है वो आएगा हो सकता है नेट का प्रॉब्लम है बट मटेरियल है आपके पास अब इस तरह से मटेरियल खोज पाने में किसी को अगर कोई असुविधा है तो कोई भी स्टूडेंट बेहिचक बताइए कि किसी भी स्टूडेंट को इस तरह से मटेरियल खोजने में कोई असुविधा हो रही है तो अगर किसी भी छात्र को इस तरह से मटेरियल खोजने में कोई दिक्कत है तो वो खुलेआम बताइए कि उनको दिक्कत है कोई बोलना चाहिए तो सर आई है सब आ रहा है ना शोर नहीं हो रहा है सर करेगा बिल्कुल शो करेगा आप रिफ्रेश बटन कीजिए बिल्कुल शो करेगा ठीक है चलिए अब हिंदी ऑनर्स के बाद सोशियोलॉजी ऑनर्स के एक भी छात्र नहीं है आज की मीटिंग में सर सर सुनिए एक समस्या सर बताइए सर बताइए क्या समस्या है बोलिए तो ना संगीता कुमारी आप अपनी समस्या को रखिए नहीं तो फिर समय खत्म होगा बोले सर मेरा सेमेस्टर 5 करना है एग्जाम फॉर्म नहीं भर पाए हैं ठीक है हम एग्जाम फॉर्म पर भी चर्चा करेंगे 2 मिनट रुकिए अभी हम क्लास के बारे में चर्चा कर रहे हैं फिर फॉर्म के बारे में बाद में बात करते हैं तो इस तरह से सारे स्टूडेंट्स अपने ई मटेरियल को इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से भेजा गया जो ई मटेरियल है ई क्लास का जो भी मटेरियल है उसको आप देखते रहिएगा चलिए ये हिंदी ऑनर्स की बात हो गई सोशियोलॉजी ऑनर्स में एक भी छात्र नहीं है अब आइए इंग्लिश ऑनर्स के जितने भी इंग्लिश ऑनर्स के स्टूडेंट है वो बताइए कौन कौन है बाकी लोग अपना माइक को ऑफ कीजिएगा इंग्लिश ऑनर्स में जो है वो नाम अपना बताइए कुलेश्वर बोल रहे सर कुलेश्वर प्रसाद किस सेमेस्टर के आप हैं सेमेस्टर 3 सर सेमेस्टर 3 और भी इंग्लिश ऑनर्स के कोई स्टूडेंट है आज के इस ऑनलाइन यस सर प्रदीप कुमार वर्मा प्रदीप कुमार वर्मा आप किस ऑनर्स के यस सर सेमेस्टर 3 इंग्लिश सर और कोई इंग्लिश ऑनर्स सेमेस्टर 3 या 1 या
फाइव कोई भी इंग्लिश ऑनर्स का कोई स्टूडेंट नहीं है। चलिए मैं आप लोग दोनों से ये पूछना चाहता हूँ कि क्या आप लोग को स्टडी मटेरियल मिल रहा है पढ़ाई के लिए किसी भी किसी भी इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से आप लोगों के पास स्टडी मटेरियल मिल रहा है? सर अब से मिलना शुरू है। अच्छा आपने ये प्रयास ही नहीं किया था आप जान सर एक्चुअली पहले ये सर मैंने पहले अपने सर को मैंने नंबर दिया था सर मुझे ऐड कर दीजिए कॉलेज वाला ग्रुप में इंग्लिश ऑनर्स वाले में पर मुझे ऐड नहीं किया गया था। उसके बाद लॉकडाउन लग गया तो फिर मैं ये जो सरिया कॉलेज का जो ऑफिशियल ग्रुप था उस पे एक्टिव थे तो आज पता चला कि क्लास से भी क्लासेस एक्टिव है। हाँ ये पिछले लॉकडाउन से अवेलेबल है सितंबर 1, 2020 सरिया कॉलेज के द्वारा ये फैसिलिटी अवेलेबल कराया जा रहा है और मुझे बताते हुए बिल्कुल खुशी हो रही है आप लोगों के साथ कि ये पूरे बिना भरे यूनिवर्सिटी में इस तरह का ई क्लास का स्टडी मटेरियल संभवतः किसी कॉलेज में अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। किसी भी कॉलेज की मैं बात कर रहा हूँ किसी भी कॉलेज में इस तरह से डे टू डे आपको अवेलेबल नहीं कराया जा रहा है। हाँ अगर किसी छात्र को प्रॉब्लम है तो वो मुझे बेहिचक मैसेज कीजिए। मैंने पहले भी आप लोगों को कहा था कि अगर किसी सब्जेक्ट का आपको कंटेंट नहीं मिल रहा है तो आप मेरे व्हाट्सएप नंबर पर बेहिचक मैसेज कीजिए कि आपको ये कंटेंट नहीं मिल रहा है। तो कौलेश्वर प्रसाद जी और प्रदीप कुमार वर्मा जी मैं क्या ये मानूं कि आप लोग दोनों अपने स्टडी मटेरियल से संतुष्ट हैं? यस सर आई एम एग्री सर। नहीं मिल रहा सर हमें। हाँ कौलेश्वर जी बोलिए कुछ बोलना चाह रहे हैं सर। नहीं मिल पा रहा सर हम खोज नहीं पा रहे सर। अच्छा ठीक कॉलेश्वर मैं हम ठीक कर देंगे हमको पता है सर ये मेरे घर के बगल का है मैं इनको बता दूंगा इनको हेल्प कर दीजिए ठीक है। और एक चीज मैं ये भी जरूर बोलूंगा बिल्कुल सर अपने सर को ये एडवाइस कीजिएगा मेरे बारे में भी आप कहिएगा अगर आपको कोई दिक्कत होगा कि सर किताब की फोटो को खींचकर कम भेजिए थोड़ा सा क्योंकि किताब की फोटो में थोड़ी दिक्कत आती है थोड़ा समझा भी दिया कीजिए कभी वीडियो वगैरह पर। चलिए इंग्लिश ऑनर्स के बाद हम फटाफट अब आते हैं पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के कितने बच्चे जुड़े हुए हैं? बाकी लोग अपना ऑफ कर लीजिए पॉलिटिकल साइंस के जो बच्चे हैं वो बताइए कि कोई बच्चे हैं जुड़े हुए हैं? और आप सर सर ई क्लासेस से जुड़ने के लिए एक बार फिर से बताइए ना सर आप जो बताए वो। एक मिनट अभी रुक जाइए। प्री पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स के स्टूडेंट को कोई प्रॉब्लम है ई क्लास में तो बताइए सर। नहीं नहीं है सर पॉलिटिकल साइंस से ये नहीं ज्वाइन है वो सर तो एक बार फिर से बताइए ना आप। टाइम खत्म है बाबू 40 है 30 मिनट जा चुका है 32 मिनट जा चुका है हम आपको फिर से बता देंगे आप फोन कीजिएगा हम आपको बता देंगे। आप मेरे को पर्सनली फोन कीजिएगा सर आपका आवाज अटक रहा है सर। पॉलिटिकल साइंस ऑनर्स में किसी छात्र को कोई प्रॉब्लम है? चलिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोई सर पॉलिटिकल साइंस का बताइए ना सर पहले वो ई क्लास वाला ई क्लास खोलने के लिए सीखना है ना तो हम ई क्लास खोलने के लिए आपको सिखा देंगे ना। और सर हम लोग का बस ऑनलाइन क्लासेस नहीं होगा ना सर बस वही जो ई क्लास से जो मटेरियल आएगा उससे नोट्स करना है। वीडियो भी भेजा जाएगा हमारे कॉमर्स सब्जेक्ट का कभी सेलेक्ट करके देखिएगा उसमें वीडियो भी भेजा जाता है यूट्यूब भी भेजा जाता है आप कॉमर्स को कभी सेलेक्ट करके देखिएगा उस तरह से आपको मिलेगा यूट्यूब और वीडियो भी मिलेगा बाकी भी सब्जेक्ट के लोग से मिलेंगे। अगर प्रॉब्लम है तो आप मुझे मैसेज कीजिएगा मैं बता दूंगा। चलिए इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोई स्टूडेंट है? इकोनॉमिक्स ऑनर्स के कोई स्टूडेंट? कोई नहीं है। सोशियोलॉजी के भी कोई नहीं है। अब किस ऑनर्स के स्टूडेंट बच गए बताइए? अकाउंट ऑनर्स के स्टूडेंट को कोई समस्या है तो बताइए। अकाउंट ऑनर्स के स्टूडेंट्स को yes, में कोई प्रॉब्लम है तो बोलिए। यस सर क्या प्रॉब्लम है सर? जैसे हम लोगों का 5 सब्जेक्ट है उसमें से सिर्फ उसमें 2 ही सब्जेक्ट का मटेरियल प्रोवाइड किया जाता है। एक है सर
अकाउंट का और एक इनकम टैक्स का, बाकी के जो दो सब्जेक्ट है जैसे एचआरएम हो गया और बिजनेस इकोनॉमिक्स, उसका कोई भी स्टडी मटेरियल नहीं मिलता। हाँ, प्रॉब्लम है कि कॉमर्स एक फैकल्टी है और फैकल्टी में अकेला एक हम ही टीचर बचे हुए हैं और कोई टीचर है नहीं, तो हमारे तरफ से जितना मटेरियल हो पा रहा है हम तो दे पा रहे हैं एज ए प्रिंसिपल, एज ए टीचर, जो भी आप समझ लीजिए, हम स्टडी मटेरियल अवेलेबल करा रहे हैं, लेकिन हमारे पास और कोई टीचर हैंड में है नहीं कि हम किसी दूसरे टीचर को बोले कि वो स्टडी मटेरियल देने के लिए। तो हम प्रयास कर रहे हैं कि पहले आपका जो सब्जेक्ट खत्म हो जाता है उसके बाद फिर कोई दूसरे सब्जेक्ट का हम आपको स्टडी मटेरियल अवेलेबल कराएंगे, ठीक है? यस सर, ठीक। और किसी स्टूडेंट को कोई दिक्कत है? नहीं सर। सतीश जी, आप तक आवाज आ रही है, आप कुछ बोल सकेंगे? चलिए, अब एक और बात मैं आप लोग के साथ शेयर करता हूँ ई क्लास के बाद, कि आप लोग के पास एक ऑप्शन दिया गया है फीडबैक फॉर्म भरने का। वो फीडबैक फॉर्म बहुत कम स्टूडेंट भरे हैं। हर स्टूडेंट को दो फीडबैक फॉर्म भरना है, एक स्टूडेंट का अपना फीडबैक फॉर्म भरना है और एक उसके पेरेंट का फीडबैक फॉर्म भरना है। तो जिन छात्रों ने अपना फीडबैक फॉर्म और अपने पेरेंट का फीडबैक फॉर्म भर लिया है उनके लिए ये बात नहीं है, लेकिन बाकी के लिए मैं आपको दोहरा रहा हूँ कि अगर आपने नहीं भरा है अपना फीडबैक, ये भी सरिया कॉलेज के वेबसाइट पर अवेलेबल है फीडबैक फॉर्म, तो वहाँ पर आप अपना फीडबैक फॉर्म अपना और अपने पेरेंट का भरिए, और साथ में अपने जो भी दोस्त हैं उनको भी इंस्पायर कीजिए, उनको भी मोटिवेट कीजिए कि वो अपना फीडबैक फॉर्म भर लें, क्योंकि ये फीडबैक फॉर्म मात्र 30 मई 2021 तक के 11:59 रात तक ही भरा जा सकता है, उसके बाद ये नहीं भरा जा सकता। अगर आप ये सोच रहे हैं कि 30 मई 2021 के बाद हम भरेंगे तो ये पॉसिबल नहीं है। इसलिए सारे स्टूडेंट्स को ये कहा जा रहा है कि आप अपना फीडबैक फॉर्म खुद भरिए और अपने पेरेंट्स का भी फीडबैक फॉर्म भरिए, और अगर किसी स्टूडेंट का नहीं भरा रहा है तो वो अपना ईमेल आईडी को बदल कर रख लीजिए तो वो जरूर भरा जाएगा, लेकिन एक स्टूडेंट जो भर चुके हैं उनको दोबारा नहीं भरना है, और जो भी आपके स्टूडेंट्स हैं उन स्टूडेंट्स का भी आप फीडबैक फॉर्म, उनको भी आप इंस्पायर कीजिए, उनको भी बताइए कि आप अपना फीडबैक फॉर्म भरिए, क्योंकि 30 मई 2021 के रात के 11:59 के बाद वो फीडबैक फॉर्म नहीं भरा जाएगा क्योंकि एकेडमिक सेशन खत्म हो जाता है। चलिए, मैं थर्ड बात में आ रहा हूँ ऑनलाइन मैगजीन के बारे में, कि आपको एक मैसेज भेजा गया था कि ऑनलाइन मैगजीन भी कॉलेज के द्वारा प्रकाशित किया जाने वाला है अतिशीघ्र। तो जो भी स्टूडेंट उसमें आप अपना स्टडी मटेरियल के लिए ये कुछ भी पोयम है, कुछ भी प्रोज है, कुछ भी राइटिंग्स है, कोई भी उनका अपना खुद का बनाया हुआ कुछ भी स्टडी ये है, कोई भी मटेरियल है, कविता है, कहानी है, चुटकुला है, कुछ भी है, तो आप उसको लिख के हमारे अमरजीत जी का व्हाट्सअप नंबर आपको दिया गया, आप उसमें लिखिए और वो पत्रिका का प्रकाशन होगा और वो प्रकाशन वेबसाइट पर डाल दिया जाएगा, जिसको पूरी दुनिया आपके प्रकाशन को देखेगी, आपकी किताब को देखेगी, उस विहान पत्रिका में आपका क्या क्या स्टडी मटेरियल डाला गया है, क्या क्या कविता है, क्या क्या कहानी है, क्या चुटकुला है, कोई पेंटिंग है तो क्या पेंटिंग है, वो डाला जाएगा। तो ये स्टूडेंट्स को बताया जा रहा है कि अगर आपने पा लिया है तो ठीक है और नहीं पाया है तो आप उसको डालिए। लास्ट में सेमेस्टर 5 के एग्जाम फॉर्म के बारे में एक चर्चा कर रहा हूँ आप लोगों के साथ में, कि कुछ स्टूडेंट क्या किए हैं कि सेमेस्टर 5 का एग्जामिनेशन फॉर्म भरने से पहले ना तो उन्होंने कॉलेज में एडमिशन लिया है और ना ही उन्होंने इंटरनल एग्जाम दिया है। तो वैसे स्टूडेंट को मैं आगाह कर देता हूँ कि अगर कोई छात्र इंटरनल एग्जाम नहीं दिए हैं और एडमिशन नहीं कराए हैं और बावजूद वो यूनिवर्सिटी के वेबसाइट पर जाकर अपना एग्जामिनेशन फॉर्म सबमिट कर लिए हैं, तो वैसे स्टूडेंट कृपया अपना एडमिशन और एग्जामिनेशन का कार्रवाई को पूरा करिए, तभी उनके फॉर्म को एक्सेप्ट किया जाएगा, अदरवाइज उनका फॉर्म रिजेक्ट हो जाएगा, क्योंकि आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है कि आपने एडमिशन कराया है, आपके पास कोई भी प्रमाण नहीं है कि आपने इंटरनल एग्जाम दिया है। अगर आप इंटरनल एग्जाम नहीं दिए हैं, अगर आप एडमिशन नहीं कराए हैं, तो किसी भी कीमत पर आपका एग्जामिनेशन फॉर्म एक्सेप्ट नहीं होगा अनटिल अनलेस आप जब तक एडमिशन और एग्जामिनेशन का प्रोसेस पूरा नहीं करते हैं। भले ही आपने यूनिवर्सिटी के साइट पर जाकर अपना फॉर्म भर दिया है, लेकिन आपका फॉर्म किसी भी हाल में एक्सेप्ट नहीं होगा। ये सेमेस्टर 5 के जो भी स्टूडेंट है, ये कान खोल के ये मेरी बात को सुन लीजिए। ये हो गई हमारे तरफ से बातें। अब आप लोग फटाफट, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो मेरे पास मात्र 2 मिनट समय बचा हुआ है, अगर किसी को भी कोई प्रॉब्लम है तो आप वो शेयर कीजिए कि आप लोग को क्या प्रॉब्लम है।
किसी भी छात्र को किसी भी तरह का कोई समस्या है तो आप शेयर कीजिए कि आपको क्या प्रॉब्लम है। सर तभी कब भरेगा फिर फॉर्म? हरी प्रिया पांडे आप कुछ कहना चाह रहे हैं? कहिए। यस सर। सर सेमेस्टर 5 का एग्जाम होगा क्योंकि यूजीसी ने आदेश दिया है कि लास्ट ईयर का एग्जाम मतलब सिर्फ लिया जाएगा, तो सेमेस्टर 5 का होगा या नहीं? परिस्थिति जैसी बन रही है कि आपका एकेडमिक सेशन जून के लगभग पहुंच गया है और जब जून के लगभग आप पहुंच गए तो सेमेस्टर 6 आपका एग्जाम क्लियर हो जाना चाहिए था जून में, लेकिन अभी तक आप सेमेस्टर 5 भी क्लियर नहीं हुआ। यस सर। यूनिवर्सिटी दो ऑप्शन रखी हुई है अपने पास में, या तो वो ऑनलाइन एग्जाम की कोई व्यवस्था कर सकती है, ये लिखा हुआ जो भी नोटिस आ रहा है उस नोटिस हर नोटिस के नीचे लिखा हुआ है यूनिवर्सिटी ऑनलाइन एग्जाम भी कंडक्ट करा सकती है, और नहीं तो हो सकता है कि सेमेस्टर 5 का एग्जाम हो या ना हो, ये परिस्थिति बस निर्भर करता है, लेकिन ऑनलाइन एग्जाम का एक ऑप्शन आ रहा है बार बार यूनिवर्सिटी की तरफ से, ये कहा जा रहा है कि अगर स्थिति बनेगी तो ऑनलाइन एग्जाम भी लिया जाएगा, इसलिए आप अपनी पढ़ाई को चालू रखिए, पढ़ाई को छोड़िए मत। एग्जाम होना ना होना ये एक अलग चीज है, उससे बहुत ज्यादा मायने नहीं रखना। अगर आप पढ़ाई नहीं करेंगे तो आपको शायद अपनी सब्जेक्ट की उतनी जानकारी नहीं हो पाएगी जितनी जानकारी आपको होनी चाहिए। और आप एक संगीता वर्मा ये बार बार आप पूछ रहे हैं कि फॉर्म कब भरेगा, तो फॉर्म भरा रहा है लेकिन बताते उससे पहले आपको अपना ऑनलाइन ये आपको अपना एग्जाम और अपना एडमिशन का प्रक्रिया पूरा करना होगा, यूनिवर्सिटी के साइड से फॉर्म भर के भी आपका फॉर्म नहीं किया जाएगा। धन्यवाद सारे सर, हम एडमिशन धन्यवाद सर, हम एग्जाम अब आपका समय खत्म हो गया है नहीं बोल पाइए। सारे छात्रों को धन्यवाद आज के मीटिंग में जुड़ने के लिए, और किसी को अगर कोई स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है तो वो खुले तौर पर मेरे को मैसेज करिए कि हाँ किस सब्जेक्ट का स्टडी मटेरियल नहीं मिल रहा है, अगर नहीं मिल रहा है तो वो मुझे जानकारी दीजिए, और किसी भी तरह की समस्या है तो मेरे व्हाट्सएप में आप मैसेज कर सकते हैं, लेकिन आपको कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए, पढ़ाई आप लगातार करते रहिएगा। आज के मीटिंग में जुड़ने के लिए काफी काफी धन्यवाद हमारे सतीश जी को और हमारे अन्य छात्रों को।